काफी समय से सोशल मीडिया पर एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज्यादा फीस, मोटी रकम वसूल रहे हैं बिग बॉस के घर से। चलिए, आपका ये जो भी जहन में जो ये बात चल रही है, इस बात से आप लोगों को वाकिफ करवाती हूँ कि आखिरकार क्या है सच्चाई। नमस्कार, मैं हरुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। इस साल बिग बॉस जो है अलग तरीके से लाया गया है, सीनियर्स और जूनियर्स लाए गए हैं एंड इवन किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान, ये तीनों ही मिलके घर में कुछ ऐसे हंगामे करें जिसको देखने के बाद एंटरटेनमेंट लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए। वेल, आपको बता दूं, यहां पर काफी समय से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला सीनियर के तौर पर सबसे ज्यादा मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का जो अमाउंट है वो 32 लाख रुपए है, यानी कि 32 लाख्स है फॉर 2 वीक्स। जी हाँ, 14 दिनों के लिए ये घर में नजर आने वाले हैं और इसके लिए ये लेने वाले हैं 32 लाख रुपए। वेल, अगर कुछ लगाया जाए लमसम तो 16 लाख रुपीज पर वीक के हिसाब से इन्होंने लिया है। अब यहां पर मैं आपको बताती हूँ कि हिना खान का अमाउंट क्या है। वेल, आपको बता दूं कि मार्केट वैल्यू हिना खान की ज्यादा है। हिना खान एक ब्रांड है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला ब्रांड नहीं है या गौहर खान ब्रांड नहीं है, ये भी ब्रांड है, लेकिन जिस तरीके से हिना खान कांस पहुंच गई हैं और बैक टू बैक वेब सीरीज, फिल्में और हर चीज कर रही हैं वो, तो जिसके चलते उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मोटी रकम ले रही हैं खुद हिना खान ही। हिना खान लगभग 72 लाख ले रही हैं 2 हफ्तों के लिए। जी हाँ, कम अमाउंट नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला से तो डबल ही है। अब इस मामले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि हिना खान इतना अमाउंट जो है वो डिजर्व करती है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखेगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।